बच्चों, कल के लेक्चर में हमने यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल की रेंज को मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव किया था। प्रोजेक्टाइल की एक मैक्सिमम रेंज के लिए भी डेरिवेशन की जाती है और वो अमूमन तौर पे रेंज के साथ ही मिलके एग्जाम में सवाल बनता है। मैक्सिमम रेंज का मतलब ये है बेटा कि जैसे आपको डायग्राम दिख रही है, इसमें आपने प्रोजेक्टाइल को किसी खास एंगल पर और किसी खास वेलोसिटी पर लॉन्च किया है। अब जब हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके गिरेगा। जैसे जैसे एंगल आप कम करते जाएं या एंगल को बढ़ाते जाएं तो आप देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्टाइल और दूर या फिर और नज़दीक गिरेगा। जैसे कॉमन एक्सपीरियंस हमारा है डेली लाइफ का, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसा सोचो ना कि जब कोई शख्स पौधों को पानी दे रहा होता है पाइप के ज़रिए से और पाइप के आगे वो अपने हाथ को लगाता है एक खास प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो अगर आप इस पाइप को बिल्कुल सीधा रखें तो ये पानी वहीं गिरेगा, और जैसे जैसे इस पाइप को आप हल्का हल्का एंगल देना शुरू करेंगे तो पानी का स्पॉट दूर से दूर जाके गिरना शुरू करेगा। ये इस बात का प्रूफ है कि एंगल के बढ़ने की वजह से प्रोजेक्टाइल की रेंज इंक्रीज होती है। लेकिन कब तक, क्या ऐसा होता रहेगा? नहीं, जब हम प्रोजेक्टाइल को यानी इस पाइप को एक ख़ास एंगल से थोड़ा सा करेंगे यानी थोड़ा सा इजाफी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये पानी जो ज़मीन पर किसी ख़ास फासले पर जाके गिर रहा था, अब बजाय उससे और आगे जाने के ये वापस पीछे उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ वापस आता जाएगा, और जब ये पाइप मुकम्मल तौर पे आप ऊपर कर देंगे तो पानी दोबारा वहीं से घूमकर वहीं गिरना शुरू हो जाएगा। तो पता चला कि हमारी इस पूरी जर्नी के दौरान पानी का सबसे ज़्यादा दूर गिरना किसी ख़ास एंगल पर डिपेंड करता है। वो ख़ास एंगल जिस पर प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है वो हमें मालूम करना है। सबसे पहले तो हम इसके नाम को यहाँ मेंशन कर दें कि मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज को अगर हम जाहिर करेंगे तो किससे करेंगे? आर मैक्स से। बेटा, हम ये जानते हैं कि जो सिंपल रेंज का फॉर्मूला है वो क्या है? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो, वी नॉट तो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जी की कीमत 9.8, कि दोनों चीजें तो हो गई कांस्टेंट। अगर हम एंगल को कम ज्यादा करेंगे तो प्रोजेक्टाइल दूर और करीब गिरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, रेंज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम रेंज यानी आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज हासिल करने के लिए, अब जब तो पता चल गया हम लोगों को कि रेंज की कीमत डिपेंड कर रही है साइन 2 थीटा के फैक्टर पे, लिहाजा मैक्सिमम रेंज हासिल करने के लिए साइन 2 थीटा की कीमत को भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। बेटा, साइन के फंक्शन में साइन के साथ कुछ भी एंगल लिखा हो, साइन की मैक्सिमम कीमत जो भी निकलती है ट्रिग्नोमेट्री में वो होती है 1। 1 से ऊपर कभी भी साइन का फंक्शन वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। तो यहां से 2 थीटा को सेपरेट करते हुए साइन को दूसरी तरफ लेके जाइए, क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स 1 कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, वैसे कीमत याद होती है, ये होता है 90 डिग्री। बेटा, तो थीटा बराबर हो गया 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि थीटा की कीमत आ गई 45 डिग्री। पता चला कि थीटा इज इक्वल टू लॉन्चिंग एंगल अगर 45 डिग्री का होगा तो उस सूरत में हमारे पास रेंज की कीमत मैक्सिमम मिलेगी, यानी प्रोजेक्टाइल हमारा सबसे दूर जाके गिरेगा। अबे वो कुत्ता खांसी। अच्छा, पिछले दिनों इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात याद आई, वो जो एथलीट था, कौन था, अरशद नदीम ना, तो उसने वो जो फेंका था तीर उठाकर, तो अगर वो 45 डिग्री के एंगल पर फेंकता तो डेफिनेटली वो बहुत दूर जाके गिर सकता था, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी एक्यूरेसी, यानी 45 डिग्री का एंगल लेकर किसी चीज़ को फेंकना ऐसे एक प्रेशर वाले माहौल में मुमकिन नहीं है। लेकिन अब आपको समझ में आ गई ये बात कि अगर आप अरशद नदीम से भी ऊपर दूर फेंकना चाहते हैं किसी चीज़ को तो आप उसी फोर्स के साथ 45 डिग्री के एंगल पर अगर आप किसी चीज़ को फेंकते हैं, लॉन्च करते हैं, तो मैक्सिमम दूरी पर गिरेगी। ये तो हो गई बात। अब बात यह है कि थीटा की इस कीमत को ले जाकर इस इक्वेशन में अगर हम पुट करवा दें तो मैक्सिमम रेंज जो निकल के आएगी उसकी वैल्यू होगी कितनी? देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, बेटा अब जो आप कीमत रखेंगे यहाँ पर थीटा की वो होगी 45 डिग्री साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45। तो आपको यहां पर भी क्या लिखना चाहिए? आर मैक्स, क्योंकि अब मैक्सिमम रेंज निकलेगी।
आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एंड मल्टीप्लाई बाय साइन, ये हो गया साइन 90। साइन 90 की बेटा वैल्यू होती है मैक्सिमम 1, तो लिहाजा मैक्सिमम रेंज की जो कीमत आई है वो आ गई वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। तो ये आपके साथ, ये मतलब ये पूरा क्वेश्चन हो गया रेंज का और मैक्सिमम रेंज वाला।